नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा भाग आज हम करने जा रहे हैं और ये है एक्स बटा दो प्लस दो वाई बटा तीन बराबर माइनस एक और एक्स माइनस वाई बटा तीन बराबर तीन। सबसे पहले देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा देंगे। अब हम इनका लघुत्तम लेकर पहले इनको समीकरण बनाएंगे और उसके बाद इन्हें हल करेंगे। आइए देखते हैं, तीन और दो का लघुत्तम जो होगा वो होगा छः। अब हमें पता है लघुत्तम को नीचे वाले से भाग करते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से गुना करते हैं। छः को दो से भाग किया तीन, तीन को ऊपर एक्स से गुना कर दिया तीन एक्स, प्लस छः को तीन से भाग किया दो, दो को ऊपर दो से गुना कर दिया चार, साथ में वाई बराबर माइनस वन। अगले स्टेप में ये छः जो है ये इसके साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस वन से गुना हो जाएगा। तो जब ये छः माइनस वन से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस छः, यहाँ बच जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार से हम राइट साइड पे देखते हैं, तीन और एक का जो लघुत्तम होगा वो होगा तीन, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना। तीन को एक से भाग किया तीन, तीन को ऊपर एक्स से गुना कर दिया तीन एक्स, माइनस तीन को तीन से भाग किया एक, एक को ऊपर वाई से गुना कर दिया एक वाई बराबर तीन। अगले स्टेप में ये तीन जो है ये इधर दोनों के साथ भाग हो रहा है, उधर जाकर उस तीन से गुना हो जाएगा और तीन गुना तीन, ये तीन गुना तीन आपस में गुना होकर हो जाएगा नौ और यहाँ बच जाएगा तीन एक्स माइनस एक वाई। तो इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर दो। अब हमें विलोपन विधि से इसे हल करना है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि क्या x का या y का कोई गुणांक बराबर है। तो देखो ये x के साथ है तीन, x के साथ है तीन, तो यहाँ किसी को भी आपस में गुना करने की जरूरत नहीं है, ये गुणांक ऑलरेडी बराबर ही है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन दो को यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, तीन एक्स माइनस एक वाई बराबर नौ, और इसके नीचे लगा देंगे लाइन। अब हमें पता है जब ये सेम साइन होते हैं तो इनको माइनस करना पड़ता है, उल्टे साइन होते तो प्लस कर देते दोनों समीकरणों को, तो सेम साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। माइनस के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली सारी समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। आइए इसे हल करके देखते हैं। अब तीन एक्स है, माइनस तीन एक्स तो कट गया, बाकी हमारे पास बचा प्लस चार वाई प्लस वन वाई, ये बन जाएगा पाँच वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, नौ और छः पंद्रह, साथ में साइन माइनस का क्योंकि दोनों ही माइनस की हैं। तो यहाँ से वाई आ गया माइनस पंद्रह, पाँच इधर वाई के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग। तो ये तीन से पाँच, सॉरी ये पाँच था, ये पाँच था ना, यहाँ पाँच उधर भाग होगा, पाँच से पंद्रह कट जाएगा तीन। इसका अर्थ ये है y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस तीन, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। इस y की माइनस तीन को हम या तो इक्वेशन वन में या इक्वेशन टू में पुट करेंगे, तो मैं इक्वेशन वन में पुट करता हूं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो वाई का मान इक्वेशन एक में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए इक्वेशन एक है तीन गुना एक्स प्लस चार गुना वाई, वाई की जगह माइनस तीन बराबर, देखो तीन एक्स प्लस चार गुना वाई, वाई की जगह वाई की वैल्यू बराबर माइनस छ। इसे हल कर लेते हैं, तीन एक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस चार तीय बारह बराबर माइनस छ, तीन एक्स बराबर माइनस छ, ये माइनस बारह है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस बारह। तो एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस, बारह में से छ निकाल दिए छ बच गए, साइन बड़ी रकम का प्लस, तीन इधर एक्स के साथ गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग। तो तीन से छ कट गया, तीन दूनी छ, इसका अर्थ है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये हमारे पास दो समीकरणें थी, इन्हें हमने हल किया है विलोपन विधि से और हमारे पास
वाई का मान -3 और एक्स का मान 2 आ गया है, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये उत्तर आपको समझ आएगा, और यदि ये अच्छे से समझ आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।